पौड़ी शहर की एजेंसी चौक पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने शासन और पौड़ी के प्रभारी मंत्री का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने बताया कि पौड़ी के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास ने पौड़ी आकर लोगों को आश्वासन दिया था कि परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन पौड़ी के लिए संचालित हो रही परिवहन सेवाएं 3 दिनों से उसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रभारी मंत्री चंदन रामदास का पुतला दहन करके विरोध जाहिर किया। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द ही इसका समाधान नहीं निकाला तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। पौड़ी से मुकेश बशेती की रिपोर्ट। आज युवा कांग्रेस पौड़ी द्वारा यहाँ पर चंदन रामदास जी जो कि परिवहन मंत्री हैं उनका पुतला दहन यहाँ पर किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर रोडवेज की बस 3 दिन से ख़राब है और सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर इस बस को देखने को तैयार नहीं है। आम जनमानस को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दुकानदारों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है और निश्चित रूप से जल्द अगर इस बस को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो युवा कांग्रेस पौड़ी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। बीते 3 दिनों से यहाँ पर सरकारी रोडवेज जो आम आदमी की सवारी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। देखिए, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम आम जनमानस के लिए कर रहे हैं, लेकिन एसी गाड़ियों में और हीटरों में बैठने वाले जो हमारे मंत्री हैं उनकी जो आम आदमी की सवारी हो बीते 3 दिनों से यहाँ ख़राब है, वो कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। और वहाँ पे जो सामने उनकी जिन व्यापारियों की दुकानें हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई यहाँ पर आकर देखने को तैयार नहीं है, उसको हटाने को तैयार नहीं।